हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी स्टंट एग्जाम। एसएससी के स्टंट एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं रीजनिंग पार्ट 11। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका अपडेट आप लोगों को लगातार मिलता रहे। तो आते हैं क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, यदि ड्यू डी ई डब्ल्यू को डब्ल्यू वी डी लिखा जाए तथा रेड आर ई डी को आई वी डब्ल्यू लिखा जाए, तो उसी प्रकार टीम को क्या लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन LIC एडियो 2012 में आया हुआ क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर कि ड्यू को किस प्रकार लिखा गया है, कि यहाँ पर डब्ल्यू वी डी आ गया है। तो यहाँ पर डी ई ड्यू, इसके सामने देखिए क्या लिखा गया है, डी के सामने लिखा गया है डब्ल्यू। अब क्या यहाँ पर वी के सामने, ई के सामने लिखा गया है वी और डब्ल्यू के सामने लिखा गया है डी। तो यहाँ पर ऐसा क्या किया गया है कि यहाँ पर डब्ल्यू वी डी आ गया है। तो यहाँ पर डी का अपोजिट लिख दिया गया है डब्ल्यू। इसी प्रकार से हम वी का जब अपोजिट देखेंगे तो वी का अपोजिट क्या होता है, वी का होता है ई और ई का क्या होता है वी। तो यहाँ पर ई की जगह क्या लिख दिया है, वी। इसी प्रकार डब्ल्यू का होता है डी, डी और डी का होता है डब्ल्यू। तो यहाँ डब्ल्यू की जगह क्या लिखा गया है, डी। अब देखते हैं रेड को। तो रेड को, रेड के जब अपोजिट लेटर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आर का अपोजिट क्या होता है, आर का अपोजिट होता है आई और यहाँ पर ई का अपोजिट होता है वी और डी का अपोजिट होता है डब्ल्यू, जो कि ई वी आई वी डब्ल्यू लिखा गया है रेड को। तो इसी प्रकार से हमें टीम को लिखना है। तो टीम को किस प्रकार लिखा जाएगा, जब इसके हम अपोजिट लिखेंगे टी ई ए एम, तो सबसे पहले टी का अपोजिट देखेंगे तो टी का क्या होता है और जी होता है, जो जी का अपोजिट होता है वो क्या होता है टी ओ, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और ई का देखते हैं, जब ई का अपोजिट देखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, ई का होता है वी और वी का होता है ई, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। इसी प्रकार से हम देखते हैं ए का, ए का क्या होता है जेड और जेड का क्या होता है ए, तो यहाँ पर ए दिया गया तो ए के सामने क्या आएगा, जेड आ जाएगा। अब क्या बचा एम, तब एम का अपोजिट देखेंगे तो एम का क्या होता है, एम का होता है एन और एन का क्या होता है एम, तो यहाँ पर एम दिया गया तो एन का, एम का अपोजिट क्या आ जाएगा, एन। तो यहाँ पर जो टीम का शब्द बनकर आएगा वो क्या आएगा, जी वी जेड एन। ये कौन से ऑप्शन में दिया गया है, जी वी जेड एन ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा और जी वी जेड एन क्या हो जाएगा आंसर। तो इसको एक बार फिर से समझते हैं। देखिए इसमें क्या किया गया, सबसे पहले यहाँ पर ड्यू को क्या लिखा गया था, डब्ल्यू वी डी। जब हमने देखा कि डी का यहाँ अपोजिट क्या लिखा है डब्ल्यू, ई का अपोजिट लिखा गया वी, इसी प्रकार से डब्ल्यू का अपोजिट क्या लिखा गया डी। तो हमने रेड को जहाँ जब लिखा, लिख कर देखा तो यहाँ पर रेड का अपोजिट, आर का अपोजिट क्या आ रहा था आई, ई का अपोजिट वी, डी का अपोजिट डब्ल्यू। तो इसी प्रकार से हमें टीम को लिखना था। जब हमने टीम के अपोजिट लिखे तो सबसे पहले हमने टीम का, टीम में अपोजिट टी का देखा, तो यहाँ पर देखिए टी का अपोजिट क्या होता है, जी टी, जी टी का अपोजिट जी होता है और जी का अपोजिट टी होता है। इसी प्रकार से ई का वी होता है और ए का जेड, एम का क्या होता है एन। तो यहाँ पर जो टीम के लिए शब्द बनकर आएगा वो क्या आएगा, जी वी जेड एन। तो ऑप्शन नंबर सी पर दिया, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा और यही क्या हो जाएगा आंसर। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर। जो अगला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो है, क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। जो प्रश्न है वो क्या है, स्टार को यहाँ पर क्या लिखा गया है, स्टार को लिखा गया है 87, 89। तो इसी प्रकार से हमें गेम को लिखना है, गेम की जगह यहाँ पर कौन सा अंक आएंगे, तो यहाँ पर हमें गेम की जगह फाइंड करना है। सबसे पहले यहाँ अगर स्टार को देखें तो स्टार को किस प्रकार लिखा गया है, स्टार को लिखा गया है यहाँ पर 87 और 89। तो यहाँ पर अगर एस का देखें तो एस का अंग्रेजी वर्णमाला में स्थान कितने नंबर पर होता है, तो वो होता है 19 पर। और यहाँ दिया क्या गया है, यहाँ दिया गया है 8। तो यहाँ पर, यहाँ पर 8 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए अगर हम देखें यहाँ पर कि एस का अपोजिट क्या होता है, तो जो एस का अपोजिट होता है वो क्या होता है, एस का अपोजिट होता है, एस का अपोजिट होता है एच, और एच का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में क्या आता है, एच का स्थान आता है अंग्रेजी वर्णमाला में 8। तो यहाँ पर देखिए 8 दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या किया गया कि जो अक्षर पहले दिया गया था उसका क्या किया गया, अपोजिट। तो यहाँ पर जब अपोजिट किया गया तो क्या आया, एच आया। फिर एच का अंग्रेजी वर्णमाला में स्थान देखा तो स्थान क्या आता है, 8 पर आता है, तो उसके सामने 8 लिख दिया गया। इसी प्रकार से हम टी का देखते हैं, जब हमने टी का अंग्रेजी वर्णमाला में स्थान देखा तो क्या आता है, स्थान आता है 20 पर, और यहाँ पर दिया कितना गया है, 7। अब क्या करेंगे, इसका अपोजिट देखेंगे। देखिए जब टी का हमने अपोजिट देखा तो टी का अपोजिट क्या होता है, टी का अपोजिट होता है जी, और जी का अंग्रेजी वर्णमाला में स्थान कितना होता है, तो वो होता है 7। तो यहाँ पर क्या किया गया, टी का अपोजिट देखा गया 7, टी का अपोजिट क्या होता है जी, और जी की जो अंग्रेजी वर्णमाला में स्थान आता है उसको लिख दिया गया टी के सामने। तो यहाँ पर टी के सामने क्या लिखा गया, 7, जो कि यहाँ पर जी आएगी। इसी प्रकार से ए को देखते हैं, जब हमने ए को देखा तो यहाँ अंग्रेजी वर्णमाला में एक का स्थान होता है और एक, यहाँ पर दिया कितना गया है, यहाँ पर दिया गया है 8। अब देखिएगा अगर इसको, ए को हम
एक अपोजिट देखें तो कितना क्या होता है जेड। अब जेड का अंग्रेजी वर्णमाला में स्थान कितना होता है, 26 होता है। अब यहाँ पर दिया गया है 8, तो देखिए जो डबल अंक है उसको क्या किया गया, एक अंक बना दिया गया। तो यहाँ पर 2 और 6 को ऐड किया गया, तो यहाँ पर कितना आ गया, 2 और 6 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8। और तभी एक के सामने क्या दे दिया गया, 8। इसी प्रकार से हमने आर का देखा, जब आर का अपोजिट क्या होता है, आर का अपोजिट होता है आई, और आई का अंग्रेजी वर्णमाला में स्थान क्या होता है, तो आई का अंग्रेजी वर्णमाला में स्थान होता है 9। तो यहाँ पर देखिए 9 दिया गया है। तो ठीक इसी प्रकार से हमें गेम को लिखना है। जब हम गेम को लिखकर देखेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले हमें इनके अपोजिट देखना है। तो हम सबसे पहले जी का अपोजिट देख लेते हैं। तो जी का अपोजिट क्या होता है, जी का होता है टी, या हमने टी लिख दिया। अब क्या करेंगे, ए का देखेंगे अपोजिट, तो ए का क्या होता है, जेड, हमने जेड लिख दिया। एम का देखेंगे तो एम का क्या होता है, एन होता है, हमने एन लिख दिया। ई का देखेंगे तो 5 होता है, ई का क्या होता है, ई का होता है वी, तो यहाँ हमने वी लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो टी आया है, इसके अंग्रेजी वर्णमाला में टी का स्थान क्या होता है, 20 होता है। अब क्या देखेंगे जेड को, तो जेड का अंग्रेजी वर्णमाला में स्थान क्या होता है, 26 होता है, हमने 26 लिख लिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एन का अंग्रेजी वर्णमाला में स्थान देखेंगे, तो एन का क्या होता है, 14 होता है, हमने 14 लिख लिया। और वी का कितना होता है, वी का होता है 22, हमने 22 लिख दिया। अब इसमें क्या किया गया, देखिए जिसमें जिसमें डबल अंक थे उसको एक अंक में कन्वर्ट किया गया था। तो यहाँ देखिए सभी में डबल अंक है, तो इसको जब एक अंक में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 2+0 को ऐड करेंगे, तो यहाँ पर जी के सामने कौन सा अंक आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 2। तो यहाँ पर हमने इसके जी के सामने 2 लिख दिया। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ 26 को जब देखेंगे तो यहाँ पर 2 अंक दिए गए हैं, 2 और 6। जब 2 और 6 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर ए के सामने कितना आ जाएगा, 8। तो यहाँ हमने 8 लिख दिया। अब देखते हैं एन को, तो यहाँ पर देखिए एन के सामने, एन का जो अंग्रेजी वर्णमाला में स्थान है वो 14 होता है, और 14 पर डबल अंक है तो इसको ऐड करेंगे, तो यहाँ 1 और +4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1+4 कितना होता है, 5। तो एम के सामने हम 5 लिख देंगे। अब क्या बचा, ई, तो ई को जब देखें तो ई का अपोजिट होता है 22, और यहाँ पर देखिए 22 डबल अंक है तो इसको भी ऐड कर लेंगे, जब 2+2 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो ई के सामने हम क्या लिख देंगे, 4। तो गेम की जो कोडिंग आई वो क्या आई, वो आई 2854। ये कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, और 2854 क्या हो जाएगा, आंसर। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर स्टार की कोडिंग क्या दी गई थी, स्टार की कोडिंग 87-89 दी गई थी। तो हमने यहाँ पर एस का जो स्थान देखा वो अंग्रेजी वर्णमाला में होता है 19, और यहाँ दिया गया था 8। तो हमने सबसे पहले 8 को बनाने के लिए क्या किया, फिर हमने एस का अपोजिट देखा, तो एस का अपोजिट लेटर कौन सा होता है, जो एस का अपोजिट लेटर होता है वो होता है एच। तो यहाँ पर देखिए एच का अंग्रेजी वर्णमाला में स्थान कितना होता है, उसका होता है 8। तो यहाँ पर जो एस का अपोजिट है उसका, उसके अपोजिट का जो जो अपोजिट अच्छा रहा है उसका अंग्रेजी वर्णमाला में स्थान देखा गया तो वो आता है 8 पर, और एस के सामने क्या लिख दिया है, 8 लिख दिया। इसी प्रकार से टी ए आर का देखा गया तो यहाँ पर क्या आ गया, 7, 8, 9। तो हमने गेम का जब लिखा तो यहाँ पर क्या आ गया, देखिए जब जी का हम देखेंगे अपोजिट अच्छर तो क्या आएगा, जी का टी होता है और टी का होता है जी। इसी प्रकार से ए एम ई का क्या होता है, हो जाएगा जेड एन वी। तो यहाँ पर हमने जब इसको, इसके अंग्रेजी वर्णमाला में स्थान देखे तो क्या है, 20, 26 और यहाँ पर 14, 22। तो ये डबल अंक दिए थे, फिर हमने इसको एक अंक में कन्वर्ट किया, जब एक अंक में कन्वर्ट किया तो कितना आ गया, 2, 8, 5, 4। तो ये गेम की कोडिंग क्या आ गई, गेम की कोडिंग आ गई 2854, और ये क्या हो गया, आंसर। तो दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका अपडेट आप लोगों को लगातार मिलता रहे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो अगला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो है, यदि नोएडा को 39,658 के रूप में लिखा जाता है तो इंडिया को क्या लिखा जाएगा। ये एसएससी सीजीएल 2002 में आया वो क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको ध्यानपूर्वक समझे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि नोएडा को यहाँ पर क्या लिखा गया है, तो एन ओ आई डी ए। सबसे पहले देखें यहाँ पर, तो एन के स्थान पर क्या लिखा गया है, 3, और आई के, ओ के स्थान पर क्या लिखा गया है, 9। इसी प्रकार आई के सामने क्या लिखा गया है, 6। डी के सामने क्या लिखा गया है, 5। और यहाँ पर जो ए के सामने है, तो यहाँ पर ए के सामने क्या लिखा गया, 8। अर्थात कहने का मतलब है जो एन के सामने आएगा वो 3 आएगा, इसी प्रकार ओ के सामने आएगा वो क्या आएगा, 9 आएगा, आई के सामने क्या आएगा, 6 आएगा, और यहाँ पर डी के सामने क्या आ जाएगा, डी के सामने आएगा 5, ए के सामने क्या आएगा, ए के सामने आएगा 8। तो हमें इसी प्रकार से इंडिया को लिखना है। जब हमने यहाँ पर इंडिया को लिखा तो आई एन डी आई ए, सबसे पहले यहाँ पर लेटर कौन सा है, तो यहाँ पर आई दिया गया है। अब यहाँ पर हम आई का देखेंगे तो आई का यहाँ पर कौन सा अंक दिया गया है, तो आई के लिए यहाँ पर 6 दिया गया है, तो हम आई के लिए यहाँ पर 6 लिख लेंगे। अब क्या आया, एन आ गया, तो यहाँ पर देख एन को देखेंगे तो यहाँ पर एन का जो अक्षर दिया गया वो कितने पर दिया गया है, एन के लिए अंक दिए गए 3, तो यहाँ पर हमने 3 लिख लिया। अब यहाँ पर डी आएगा, तो हमने डी को लिखा,
अब देखेंगे कि यहाँ पर D के लिए कौन सा अंक दिया गया, तो 5 दिया गया, हम इसके सामने 5 लिख लेंगे। फिर क्या आ गया, फिर से I आ गया, तो I के लिए क्या कौन सा अंक प्रयोग हुआ था, 6 हुआ था, हमने 6 लिख लिया। अब क्या बचा, A, तो यहाँ पर A के लिए कौन सा अंक प्रयोग हुआ है, A के लिए हुआ है यहाँ पर 8, तो हम लिख लेंगे A के लिए 8। अब जो इंडिया की कोडिंग आएगी वो क्या आएगी, 63568, तो ये कौन से ऑप्शन में दिया गया है, 63568 ऑप्शन नंबर डी पर दिया है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा और 63568 क्या हो जाएगा आंसर। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, सबसे पहले यहाँ पर नोएडा के लिए क्या दिया गया था, 39658, तो यहाँ पर देखिए जो एन की कोडिंग थी वो क्या थी, एन के लिए 3 अंक का प्रयोग किया गया था, इसी प्रकार ओ के लिए यहाँ पर 9 का, आई के लिए 6 का, डी के लिए 5 का, ए के लिए 8 का, तो हमने हमसे इंडिया का पूछा गया था। जब हम सबसे पहले इंडिया में आई को देखेंगे तो यहाँ पर आई के लिए कौन से अंक का प्रयोग किया गया, आई के लिए 6 का किया गया, हमने 6 लिख दिया। अब एन को देखेंगे तो यहाँ पर एन के लिए कौन से अंक का प्रयोग किया गया, 3 का किया गया, हमने 3 लिख लिया। इसी प्रकार से डी आई ए के लिए कौन कौन से अंक प्रयोग किए गए, यहाँ पर देखिए डी के लिए 5 किया गया है, आई के लिए 6 किया गया है, और ए के लिए क्या किया गया, ए के लिए किया गया है 8, तो हमने 5 6 8 लिख दिया। जो इंडिया की कोडिंग आई वो क्या आई, 63568, और ये ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा और 63568 क्या हो जाएगा आंसर। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो अगला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो है, यदि वर्ल्ड को कोड में एक्स एन एस के ई लिखा जाता है तो स्टॉप्स को कैसे लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ 2015 में आया हुआ है, क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको ध्यानपूर्वक समझे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं वर्ल्ड, तो वर्ल्ड के लिए क्या कोडिंग का प्रयोग किया गया है, डब्ल्यू ओ आर एल डी, तो यहाँ वर्ल्ड के लिए किया गया है एक्स एन एस के ई। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या कौन सा लेटर दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है W, तो W के सामने कौन सा लेटर लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया X। अब यहाँ पे W से X तक आने में क्या करना पड़ेगा, देखिए W का जो अंग्रेजी वर्णमाला में स्थान होता है वो कितने पर होता है, वो होता है 23 पर। अब यहाँ हमने 23 लिख दिया, फिर देखते हैं हम एक्स का अंग्रेजी वर्णमाला में स्थान कितने पर होता है, तो वो होता है 24 पर। अब देखिए यहाँ पर 23 है, यहाँ पर 24, तो यहाँ 23 से 24 तक आने में क्या करना पड़ेगा, प्लस वन करना पड़ेगा, यानी कि 23 में हम प्लस वन कर दें तो क्या आ जाएगा, 24। और जो 24 पर अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर होता है वो कौन सा होता है, X होता है, तो W के सामने क्या दे दिया गया, X। अब इसी प्रकार से हम O को देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए जो O का अंग्रेजी वर्णमाला में स्थान होता है वो कितने पर होता है, वो होता है 15 पर, और N का कितने पर होता है, N का होता है 14 पर। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 15 दिया गया है, यहाँ पर 14, तो यहाँ 15 से 14 तक आने में हमें क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस करने पड़ेगा, तो यहाँ पर हमने 1 माइनस कर दिया 15 से, तो कितना आ जाएगा, 14, और 14 पर कौन सा अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर आता है, तो वो आता है N, तो O के सामने क्या दिया गया है, O के सामने दिया गया है N। तो इसी प्रकार से हम R को देख लेते हैं, तो R को जब देखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए जो R का अंग्रेजी वर्णमाला में स्थान होता है वो कितने पर होता है, वो होता है 18 पर, और जो S का स्थान होता है अंग्रेजी वर्णमाला में वो कितने पर होता है, वो होता है 19 पर। तो 18 से 19 तक हमें आने में क्या करना पड़ेगा, प्लस वन करना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पर प्लस वन कर दिया। जब 18 में प्लस वन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 19, और 19 पर अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर होता है, तो होता है S, तो यहाँ पर R के सामने क्या लिख दिया गया है, S। तो यहाँ कहने का मतलब यह है कि पहले अक्षर में प्लस वन कर दिया गया है तो यहाँ कितना क्या आ गया, X, और दूसरे अक्षर में माइनस वन कर दिया गया है तो क्या आ गया, N। इसी प्रकार से फिर से तीसरे अक्षर में क्या कर दिया गया, प्लस वन किया गया तो यहाँ पर क्या आ गया, एस। अब इसमें क्या करेंगे, माइनस वन कर देंगे, तो एल में जो अंग्रेजी वर्णमाला का स्थान होता है वो क्या होता है, एल का अंग्रेजी वर्णमाला में स्थान होता है 12, तो 12 में माइनस वन करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस वन करने पर आएगा 11, और 11 पर कौन सा अक्षर होता है, तो के होता है, देखिए जो कि एल के सामने के दिया गया है। तो इसी प्रकार से अब हमें क्या करना होगा, पहले हमें प्लस वन, फिर माइनस वन, फिर से प्लस वन, फिर से माइनस वन, अब क्या करना होगा, प्लस वन। तो यहाँ देखिए जो डी का अंग्रेजी वर्णमाला में स्थान होता है वो कितने पर होता है, 4 पर, तो 4 में हम जब प्लस वन करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 पर प्लस वन करने पर 5 आ जाएगा, और 5 पर अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर होता है, तो वो होता है ई, जो कि डी के सामने ई दिया गया था। तो यहाँ पर पहले में क्या किया गया, प्लस वन, फिर दूसरे में माइनस वन, फिर से प्लस वन, फिर से माइनस वन, फिर से प्लस वन, तो इसी प्रकार से हमें स्टॉप्स में करना है। तो सब स्टॉप्स को जब लिखेंगे तो एस टी ओ पी एस, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, देखिए इसकी काउंटिंग कर लेंगे, तो अंग्रेजी वर्णमाला में जो एस का स्थान होता है वो कितने पर होता है, वो होता है 19 पर। तो पहले में क्या किया गया था, पहले में प्लस वन किया गया था, तो 19 में हम प्लस वन करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जब प्लस वन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 19 और 1 20, तो 20 पर कौन सा लेटर होता है, 20 के सामने, 20 के सामने अक्षर होता है वो होता है टी, तो एस के सामने कौन सा लेटर आ जाएगा, टी। तो इसी प्रकार से हम टी को देखेंगे, अब देखिए टी का जो अंग्रेजी वर्णमाला में स्थान होता है वो कितना होता है, टी का होता है 20, और दूसरे में क्या किया गया था, इसमें देखिए दूसरे में माइनस किया गया था, तो इससे भी माइनस वन कर देंगे, जब इससे माइनस वन करेंगे 20 से, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 19 आ जाएगा, 19 पर कौन सा लेटर होता है, 19 पर होता है यहाँ पर
एस, तो हमने एस लिख दिया। जो टी के सामने अक्षर आएगा वो कौन सा आएगा, एस आएगा। अब ओ को देख लेते हैं, तो ओ का जो अंग्रेजी वर्णमाला में स्थान होता है वो कितने पर होता है, ओ का अंग्रेजी वर्णमाला में स्थान ऊपर होता है 15 पर। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए पहले में प्लस वन, फिर से माइनस वन, फिर से क्या करेंगे प्लस वन, तो 15 में एक प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस वन करेंगे तो यहाँ पर आएगा 16, और 16 पर अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर होता है, तो वो होता है पी, तो ओ के सामने क्या आ जाएगा पी। तो इसी प्रकार से हम पी को देख लेंगे, देखिए जब अब हमने इसमें प्लस वन किया था तो अब फोर्थ लेटर में क्या करेंगे माइनस वन करेंगे, तो अंग्रेजी वर्णमाला में जो पी का स्थान होता है वो कितने पर होता है, तो वो होता है 16 पर, तो यहाँ हमने 16 लिख लिया। अब 16 से हम माइनस वन कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, तो 15 पर अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर होता है, वो होता है ओ, तो यहाँ पर वो पी के सामने क्या आ जाएगा ओ। अब क्या बचा एस, तो देखिए जो एस का अंग्रेजी वर्णमाला में स्थान होता है वो कितने पर होता है 19 पर। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें प्लस वन कर देंगे, पहले में प्लस वन, फिर से माइनस वन, फिर से प्लस वन, फिर से माइनस वन, अब क्या करेंगे प्लस वन, तो 19 में जब प्लस वन कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 20, और 20 पर अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर होता है, तो वो होता है टी, तो एस के सामने क्या आ जाएगा टी। जो स्टॉप्स की कोडिंग आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी टी एस पी ओ टी, तो ये कौन से ऑप्शन में दिया गया टी एस पी ओ टी, तो ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा टी एस पी ओ टी क्या हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, एक बार फिर से अच्छे से समझते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर वर्ड को लिखा गया था एक्स एन एस के ई, तो पहले में वर्ड में क्या किया गया प्लस वन किया गया, फिर दूसरे लेटर में क्या किया माइनस वन, फिर से तीसरे लेटर में क्या किया प्लस वन, तो यहाँ पर क्या आ गया एक्स एन एक्स के ई। इसी प्रकार से सीरीज आगे बढ़ती गई, जब हमने स्टॉप्स को लिखा तो यहाँ पर पहले में प्लस वन करेंगे तो अंग्रेजी वर्णमाला में एस का स्थान 19 पर होता है, 19 में प्लस वन कर देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 20, और 20 पर जो अंग्रेजी वर्णमाला में स्थान होता है वो किसका होता है, वो होता है टी का, तो एस के सामने कौन सा लेटर आ जाएगा टी। इसी प्रकार से टी के सामने क्या आ जाएगा एस आ जाएगा, ओ के सामने पी आ जाएगा, पी के सामने ओ आ जाएगा, और एस के सामने क्या आ जाएगा टी। जो स्टॉप्स की कोडिंग आएगी वो क्या आएगी टी एस पी ओ टी, तो यहाँ पर यही क्या हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका अपडेट आप लोगों को लगातार मिलता रहे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो अगला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। तो देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो है, यदि 839 इक्वल टू 14 और 834 इक्वल टू 9 हो तो 929 क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए ये क्वेश्चन SSC 10 प्लस 2 2013 में आया हुआ है, क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यानपूर्वक समझें। सबसे पहले यहाँ पर देखें कि 839 को 14 किस प्रकार लिखा गया है, तो यहाँ पर 839 को 14 लिखा गया है, ये किस प्रकार लिखा गया है, देखिए अगर इसको इन दोनों को आपस में ऐड करें तो कितना आएगा 8 3 11, और 11 में अगर 9 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आएगा कितना 2, और यहाँ दिया कितना गया है, यहाँ दिया गया है 14, तो यहाँ पर इस प्रकार से नहीं करेंगे। अब किस प्रकार से करेंगे उसको देखते हैं। देखिए सबसे पहले 8 और 9 को अगर जोड़ लें तो यहाँ पर कितना आएगा, 8 और 9 को जोड़ने पर आएगा 17, यहाँ पर 17 आ गया, और यहाँ पर दिया गया है 14, तो यहाँ पर हम बीच वाली संख्या को माइनस कर देंगे, बीच में कौन सी संख्या दी गई 3 दी गई है, तो 17 से हम 3 को माइनस कर देंगे क्या आ जाएगा 14, जो कि 839 के सामने दिया गया है। तो यहाँ कहने का मतलब यह है कि फर्स्ट प्लस लास्ट को जोड़ा गया है और सेकेंड वाली को माइनस किया गया है, फर्स्ट और थर्ड को जोड़ा गया है और सेकेंड वाली संख्या को क्या किया गया माइनस, तो फर्स्ट प्लस थर्ड को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 8 और 9 को जोड़ देंगे 17 आएगा, और सेकेंड वाली को माइनस कर देंगे यहाँ पर क्या आएगा 17 से 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 14, जो कि 839 के सामने दी गई। तो इसी प्रकार से हम 834 को करके देखते हैं क्या 9 आता है, तो यहाँ 834 लिखेंगे। अब क्या करेंगे फर्स्ट और थर्ड को आपस में ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर 8 प्लस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर आएगा 8, 4 कितना होता है 12, और बीच वाली संख्या को माइनस कर देंगे तो यहाँ 20 वाली संख्या क्या है 3 है, और जो 12 से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, जो कि 834 के सामने दिया गया था। तो ठीक इसी प्रकार से हमें 929 को करना है, जब 929 को करेंगे तो यहाँ क्या आएगा देखिए 929, तो सबसे पहले क्या करेंगे फर्स्ट और थर्ड को आपस में ऐड करेंगे, तो फर्स्ट प्लस थर्ड को 9 प्लस 9 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 प्लस 9 करने से आएगा 18। अब क्या करेंगे बीच वाली संख्या को माइनस कर देंगे, तो यहाँ बीच में कितनी दी गई 2, तो 18 से 2 माइनस कर देंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 16, तो ये 16 कौन से ऑप्शन में दिया है ऑप्शन नंबर सी पर दिया है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, और 16 क्या हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या किया हमने देखिए एक बार फिर से समझते हैं। सबसे पहले यहाँ हमने देखा कि 839 को क्या लिखा गया था 14, तो यहाँ पर 14 किस प्रकार लिखा गया था उसको देखते हैं। तो यहाँ पर हमने जब फर्स्ट और थर्ड वाली संख्या को
देखा, इसको ऐड किया तो कितना आ गया, 17 आ गया। अब यहाँ दिया गया था 14, तो यहाँ पर बीच में कौन सी संख्या थी, 3 थी, तो हमने बीच वाली संख्या को माइनस कर दिया। 14 17 से हम 3 माइनस कर देंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 14। तो यहाँ पर 839 के सामने 14 दिया गया था। तो ठीक इसी प्रकार से हमने जब 834 को किया, तो यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड को ऐड किया तो 8 4 12, यहाँ पर 12 आ गया, और बीच वाली संख्या को माइनस किया तो यहाँ पर कितना आ गया, 9, जो कि 834 के सामने दिया गया था। तो ठीक इसी प्रकार से हमें 929 को करना था। जब हमने 929 को सॉल्व किया तो यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट को ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 18, और बीच वाली संख्या को माइनस करेंगे तो यहाँ पर बीच में 2 दिया गया था, तो 18 से हम 2 माइनस कर देंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 16, और 16 क्या हो जाएगा आंसर। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो अगला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। तो देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो है, नीचे दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। जो श्रृंखला है वो क्या है, 198, 202, 211, उसके बाद 227, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की जगह एक हमें संख्या फाइंड करनी है जो कि हमारा आंसर होगा। ये क्वेश्चन SSC CGL 2012 में आया हुआ है, क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यानपूर्वक समझें। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि श्रृंखला क्या है, यहाँ पर श्रृंखला है 198, फिर क्या है उसके बाद 202 है, और उसके बाद क्या है 211 है, तो यहाँ पर 211 लिख दिया। अब क्या दिया गया, 227 दिया गया, उसके बाद क्या दिया गया, क्वेश्चन मार्क। तो हमें क्वेश्चन मार्क की जगह एक संख्या फाइंड करनी है। तो सबसे पहले अगर यहाँ 198 और 202 को देखें, तो यहाँ पर 198 से 202 किस प्रकार किया गया है, तो यहाँ पर अगर 198 में प्लस 4 ऐड कर दें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस 4 ऐड करने से 202 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम 202 से, जो कि श्रृंखला में दिया गया था, 202 से 211 तक जाने में कितना ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर देखिए 202 में अगर 9 ऐड कर दें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 ऐड करने से आएगा 211 है। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि पहले में क्या किया गया, प्लस 4, दूसरे में क्या किया गया, 9 ऐड किया गया। अब तीसरे में देखते हैं, तो यहाँ पर जब 211 से 227 तक जाएंगे तो यहाँ पर देखिए कितना ऐड करना पड़ेगा, 211 में कितना ऐड कर दें कि 227 आ जाए, तो यहाँ पर अगर प्लस 16 कर दें 211 में तो कितना आ जाएगा, 227 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि पहले में क्या किया गया है, पहले में 2 का स्क्वायर ऐड किया गया है, फिर क्या किया गया है, फिर किया गया है 3 का स्क्वायर ऐड, तो यहाँ हमने 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, तो यहाँ पर 202 में 9 ऐड किया तो कितना आ गया, 211। इसी प्रकार से 211 में क्या किया गया है, 4 का स्क्वायर ऐड किया गया है, तो यहाँ जब 4 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16, और 211 में जब 16 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 227। तो अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, तो अब किसका स्क्वायर ऐड होगा, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर होएगा। तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर होता कितना है, 5 का स्क्वायर होता है 25। अब यहाँ पर 25 ऐड करेंगे जब 227 में, तो देखिए कितना आएगा, 227 में 25 ऐड करेंगे तो यहाँ पर आएगा, देखिए 7 5 12 की 2, अब कितना आएगा, 2 2 4 1 5, और यहाँ पर 2, तो 252 आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी, क्वेश्चन मार्क की जगह 252 संख्या आएगी। तो ये कौन से ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, और 252 क्या हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या किया गया, देखिए सबसे पहले जो श्रृंखला थी वो क्या थी, 198, 202, 211, 227 के बाद क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर हमने देखा कि 198 से 202 तक जाने में हमें कितना ऐड करना पड़ रहा है, 4। उसी प्रकार से हमने देखा कि यहाँ 202 से 211 तक जाने में कितना ऐड करना पड़ रहा है, 9। तो यहाँ पर जब हमने देखा कि पहले में क्या ऐड करना किया गया है, 2 का स्क्वायर, इसके बाद क्या ऐड किया गया है, 3 का स्क्वायर, फिर क्या किया गया है, 4 का स्क्वायर, तो अब क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर। तो हमने 5 का स्क्वायर होता कितना, 25, तब 227 में हमने 25 ऐड किया, 227 में हम 25 ऐड कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 252 आ जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी, 252, और 252 क्या हो जाएगा आंसर। तो थैंक्स दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका अपडेट आप लोगों को लगातार मिलता रहे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।